Good morning, dear student. I am your best teacher. Today I am delivering this lecture for class 6. Okay, class. Last time मैंने आपको इसके fender blanks, true false वगैरह something ये चीजें हैं. Sorry, वो उसकी chapter 6 के MCQs के हवाले थे. आज हम angle chapter start करेंगे और angle chapter जो है आपने इसका काम geometry में करना है. ये आपने काम ज्योमेट्री में करना है और ज्योमेट्री के चैप्टर का नाम एंगल है और आपकी एक्सरसाइज जो है इसकी एक्सरसाइज भी 12 है. इसकी डेफिनेशन आपको क्लास में करवाई थी और आज हम काम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका. मेजर द फॉलोइंग angles with the help of a protractor. प्रोटेक्टर आपको मैंने बताया था, प्रोटेक्टर डी को कहते हैं. आपने क्या करना है, कुछ एंगल्स बनाऊंगी यहाँ पे मैं, सिंपल एंगल्स बनाने हैं और उसके बाद आपने उन एंगल्स को डी की मदद से मेजर करके बताना है कि ये कितनी डिग्री का एंगल है आपके पास. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको डी बना के दिखा देती हूँ. आपका कुछ इस तरह से डी होता है, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ से आपके सब लाइन वगैरह जिस तरह आपका एंगल लगा होता है 90, 40, 50 इस तरह सब एंगल्स होते हैं. आपकी इसकी दो तरह से लेंथ होती है. अगर आप एंगल को इस साइड से मेजर करते हैं तो 0, 1, 2 समथिंग जो काउंटिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी. अगर आपकी लाइन इस साइड से होती है तो आप इस तरफ से इसको मेजर करते हैं. अब आपका पहला सवाल है, कुछ इस तरह से एंगल दिया हुआ है यूं करके, यूं, ठीक है. अब आपने इसको मेजर करके बताना है. आपकी बुक में बना हुआ है, आपको मैं बुक का पेज नंबर बता देती हूँ. बुक का पेज नंबर बता देती हूँ. आप बुक से ही इस एंगल को मेजर करेंगे और उसकी लेंथ बताएंगे कि ये कितनी डिग्री का. आपका बुक का पेज नंबर है 171. उसमें आपका एंगल बना हुआ है, उसमें नेम दिया हुआ है ए बी एंड सी. इस एंगल को मेजर करेंगे. अब आप अपनी बुक से एंड डी आप लेंगे. डी का जो ये वाला सेंटर पॉइंट है, ये वाला, इस सेंटर पॉइंट को आपने इसके सेंटर पॉइंट पर रखना है एंड देन इसको मेजर करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब जिस तरह यहाँ पे ओपन हो रहा है, आप जो देखेंगे कि ये लाइन जो है इन लाइनों में से किस लाइन के साथ मैच होती है. अगर ये लाइन इसके साथ मैच होती है, यहाँ पे जितनी डिग्री लिखा होगा 20, 30, 40, 50 जितनी भी डिग्री लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे स्टॉप हो जाना है और बताना है कि कितनी डिग्री पे आ रहा है. ये 60 डिग्री का आपका पहला एंगल है बुक के हिसाब से. आपका सेकेंड एंगल है ये वाला. आपको पता है ये पूरा डी जो है ये 180 डिग्री का होता है. इसकी हाफ साइड 90 डिग्री की एंड हाफ साइड 90 डिग्री की. मीन्स के ये इस तरह से कुछ एंगल बना हुआ है तो ये इजीली आप देख के बता सकते हो कि इसकी हाफ साइड जो है वो 90 डिग्री की होती है. फाइनल यहाँ पे 90 डिग्री की. मीन्स के ये एंगल आपका कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का. इसको मेजर करने की भी नीड नहीं है. सवाल नंबर सी. अब एंगल नेक्स्ट दिया है आपको, कुछ इस तरह से शेप बनी हुई है एक्स वाई जेड. इसको आप अपने डी से मेजर करेंगे तो ये 120 डिग्री का आएगा. एंगल डी दिया हुआ है आपको, इस तरह से बना हुआ है आपके बुक पे और ये आपके पास 30 डिग्री का है, ठीक है. ये आपका पहला क्वेश्चन था. एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका फ्रिंदा ब्लैंक से फिल इन द बॉक्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल. आपको कुछ डायग्राम्स दिए जाएंगे, उनमें आपने एप्रोप्रिएट मीन्स के उनको देख के बताना है कि कौन से वाले में कौन सा सिंबल लगेगा. इसको ग्रेटर देन कहते हैं, ये आपके पास इक्वल टू है और इसको लेस देन कहते हैं.
बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के पेयर्स दिए जाएंगे, उन पेयर्स के दरम्यान में आपने बताना है कि ये कितनी डिग्री का है। पहला क्वेश्चन है आपका ये किस तरह से, एंड दूसरा आपके पास मुझे सॉरी इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। हम इनको मेजर कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंस बताना है कि दोनों इक्वल हैं क्या है क्या है, इस तरह से सी डी बी एफ डी ई एफ, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिए। अब इसके से एंगल किस तरह बनेगा, मेजरमेंट एम फॉर मेजरमेंट, ये एंगल को शो करता है और एंगल के नाम क्या हैं ए बी सी, एंड आपके पास एक लाइन लगानी है, एंड दूसरा मेजरमेंट ऑफ एंगल टू है डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल टू हैं, ग्रेटर देन हैं, लेस देन है, क्या है, ये दोनों ही एंगल आपके पास दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं, ये आपके पास इक्वल टू है। आपका इसका बी क्वेश्चन है ये किस तरह दिया हुआ है, यानी दूसरा वाला आपके पास इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। नेम दे देते हैं एक्स वाई जेड आर एस टी, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड डैश, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर एस टी। अब बताएं कि ये वाले एंगल इस वाले एंगल से छोटा है कि बड़ा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है, मींस के कौन सा सिंबल आएगा ग्रेटर देन का, आपके पास ये वाला सिंबल जो है ग्रेटर देन का, फेस इस साइड का ऑप्शन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का सिंबल। क्वेश्चन नंबर सी इसका आपके पास इस तरह से है, एंड नेक्स्ट आपके पास डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है। नाम दे देते हैं पी क्यू आर एम एल एम एम, ठीक है, एंगल्स के नाम आ गए। अब आपने देख के बताना है, पहले तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल एल एम एम, ये वाला एंगल इस एंगल से क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, मीन्स के छोटा है या बड़ा, ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा है तो लेस देन का सिंबल आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री है बुक का, वो आप खुद करेंगे बिकॉज यहाँ पे मेरे पास इस तरह की अवेलेबल नहीं है डी सेट ऑफ स्क्वायर्स, इसमें आपने सेट ऑफ स्क्वायर्स यूज करने हैं, सेट ऑफ स्क्वायर्स यूज करने हैं। अब सेट ऑफ स्क्वायर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ स्क्वायर्स आप जब ज्योमेट्री लेते हैं डी का, उसमें सारा सामान होता है, उस ज्योमेट्री में आपके पास कुछ इस तरह के भी एंगल होती हैं शेप्स, एक आपके पास इस तरह का शेप होता है, एक आपके पास इस तरह का शेप होता है, ठीक है। इस तरह के जो शेप होंगे आपने क्या करना है, अपनी जो आपके पास ज्योमेट्री में ये इस तरह के शेप्स हैं, मीन्स कि आपके पास ये वाला शेप है, आपने ये वाला शेप लेना है, ठीक है, और अपनी कॉपी पे इसी वाले शेप को पूरा जितना होगा शेप ये पूरा ही ड्रॉ करना है पेंसिल से, और उसकी हर एक साइड आपने मेजर करनी है, जिस तरह की ये वाली भी साइड, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल। एंगल आप कैसे मेजर करेंगे, डी से, पहले डी आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका ये डी है, मैंने डी लिया, ये वाला मेरी डी का ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसके ऊपर रखना है। अब देखना है कि ये यहाँ लाइन जा रही है, यहाँ पे मैच हो रही है, तो देखिए आपका इनके दरम्यान कितनी डिग्री का एंगल है, तो आपने वो एंगल मेजर करना है और आपने उसमें बताना है कि हर एंगल की, यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स की साइज कितने कितने की है, कितने कितने की एंगल्स है साइज। क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका, फोर आपको मैं करवाती हूँ, गेजेस द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन द केसेस, ठीक है।
और ये बात याद रखिएगा, आप ये जितनी भी डायग्राम्स में बना रही हैं आप प्लेन पेज पे बनाएंगे। ज्योमेट्री के आपके पास दो तरह के पेज होते हैं, एक लाइन वाला होता है और उसके बिल्कुल फ्रंट पे ही आपके पास प्लेन पेज होता है। डायग्राम्स जितनी भी बनेंगे वो प्लेन पेज पे, उनका जो सोल्यूशन होगा वो लाइन वाले पेज पे कीजिएगा। इसका आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन कितनी डिग्री की एंगल बनता है ईस्ट से लेकर साउथ तक। पहले तो हम ये सारी चीज़ें बना लेते हैं, ये एंगल आपके पास ईस्ट वेस्ट किस तरह होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ओके। मैंने कुछ इस तरह की शेप बना ली। अब उन्होंने कहा है कि ईस्ट से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर साउथ तक ये वाला आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है। ईस्ट टू साउथ, हमारे पास ईस्ट टू साउथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड 90 डिग्री का एंगल आपके पास क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री का बन रहा है एंड जो 90 डिग्री का एंगल आपके पास राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन बी देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन बी में है आपके पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपका कौन सा एंगल बन रहा है। ईस्ट और ये आपने देखा वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, और इसको क्या कहते हैं आप लोग, स्ट्रेट एंगल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है आपका, ईच कॉर्नर ऑफ द क्लास रूम, आपके क्लास रूम में व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पे बना दिया व्हाइट बोर्ड। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास व्हाइट बोर्ड का हर एक कॉर्नर, कॉर्नर कहते हैं कोने को, हर एक कॉर्नर जो है ये व्हाइट बोर्ड के आपके पास कॉर्नर्स हैं ये चारों के। उन्होंने कहा है कि ये कॉर्नर्स जो हैं आपके पास ये कितनी कितनी कौन सा यहाँ पे एंगल बन रहा है और कितनी डिग्री का। अगर आपको देख लें ये यूं करके, यूं कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है राइट एंगल। 90 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो मीन्स के ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का हर एक कॉर्नर जो है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और वो एंगल क्या कहलाता है आपके पास, 90 डिग्री का राइट एंगल कहलाता है। ये क्वेश्चन यहीं पे डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप होम टास्क है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास कि आपने ड्रॉ एन एंगल ए बी सी इन योर नोटबुक, आपने ए बी सी का एंगल अपनी बुक में मीन्स के कॉपी में ड्रॉ करना है, एंड उसकी हर एक साइड को मेजर करके आपने बताना है कि वो कितनी कितनी डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द एंगल्स मार्क ईच ऑफ गिवन फिगर्स एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर पॉसिबल मेजरमेंट बाय इंस्पेक्शन। कुछ एंगल्स दिए होंगे आपको, उन एंगल की हर एक साइड की मेजरमेंट करके बतानी है। मेजरमेंट ना होने चले उनके नेम्स बताने हैं कि ये एंगल के नेम क्या क्या है, हर एंगल के साथ क्या नेम आना है।
आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आपकी बुक में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कितने एंगल्स हैं? फोर एंगल्स हैं। नेम देते हैं ए बी सी एंड डी। टोटली फोर एंगल्स हैं। हमने बताने हैं कि ये एंगल्स जो हैं कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ए से लेकर बी और सी, ये कौन सा एंगल बना रहा है, बी सी डी कौन सा एंगल बना रहा है, इस तरह से सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं पहले ए बी सी, मीन्स के एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जो है आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी। आपके पास यू करके देखा जाए, ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है, 90 से ग्रेटर देन एंगल एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज, 90 से छोटा है एक्यूट, और फिक्स 90 का जो आपके पास होता है वो राइट एंगल। कॉमा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एंगल ए बी सी हो गया, अब एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब आपके पास एंगल बी सी डी, ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है, 90 से छोटा है बड़ा है, 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा एंगल आपका कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। एंगल बी भी हो गया, अब सी डी ए, सी डी ए, ये देखिए इस तरह, ये सी डी ए, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है आपके पास 90 डिग्री का। नेक्स्ट आपके पास सी हो गया, अब डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी जो है आपके पास, ये भी राइट एंगल बन रहा है। किस तरह बन रहा है ये देखिए, यू करके यू, ये भी राइट एंगल बन रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर टू इसका है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। तीन, अब उसमें चार थे, इसमें तीन एंगल्स हैं आपके पास, ए बी सी, एंगल ए बी सी पहले मेजर करेंगे, एंगल ए बी सी, ये आपके पास राइट एंगल बन रहा है। अब सेकेंड है आपके पास बी सी ए, एंगल बी सी ए, ये देखिए बी सी ए, ये आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। अब सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये भी आपके पास एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके पास, क्लासिफाई द एंगल्स हूज साइजेस आर गिवन। ठीक है, आपने कुछ एंगल्स बनाने हैं डी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है, मैंने आपको डी पहले ही बना के दिखाया था, जिस तरह आपका डी होगा आपने डी में मेजर करना है 30 डिग्री का एंगल। और आपने ये एंगल, ये सवाल जो है लाइनों वाले पेज पे लिखिएगा, बार बार बता रही हूँ, और इसका जो डायग्राम बनाओगे वो आप बिल्कुल सामने वाले पेज पे, जो प्लेन पेज है उस पर बनाएंगे। 30 डिग्री का आपका कुछ इस तरह सा एंगल बनेगा, आप मेजर करके बनाइएगा और इनको नेम दीजिएगा ए बी सी। बाकी क्वेश्चन आप इसके कर लीजिएगा अपनी बुक से देखकर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, आप अपनी बुक देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कैलकुलेट हाउ मैनी डिग्रीज देयर आर इन पहला सवाल है आपके पास, फोर राइट एंगल्स, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी यहाँ पे एंगल दिए होंगे, राइट एंगल की फ्रंट की बात हो रही है,
चार राइट एंगल को अगर हम सम करते हैं तो वो कितनी टोटल कितनी डिग्री का बन जाता है? आपको पता है एक राइट एंगल जो है, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। और हमें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि फोर राइट एंगल जो है हमारे पास वो कितनी डिग्री के होंगे। आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 0 0, और 4 9 30 6। एक तो आपके पास ये है, एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है 90 90 90 90। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो सेम ही चीज़ होगी, 9 9 9 18, 18 + 27, 27 + 3 36, सेम सिचुएशन आ गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, फोर राइट एंगल को, यहाँ पे एंगल लिखिएगा, फोर राइट एंगल को आपने 90 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 360 डिग्री आ गया टोटल राइट एंगल की। जो हमारे पास कितनी डिग्रीज के आ रहे हैं चार राइट एंगल मिला के, 360 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, आपके पास 2 1/2 राइट एंगल, 1/2 राइट एंगल्स जो हैं वो कितनी डिग्री के बराबर होंगे? 1/2, अच्छा 2 का मतलब मीन्स के दो राइट एंगल, ठीक है। एंड 1/2, 1/2 कहते हैं पूरे वन का आधा, वन है ना इसका जो हाफ होता है, 1/2 कहलाता है। मींस के राइट एंगल 90 के बराबर होता है, 90 का हाफ लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, 45 आता है। 45 इसमें ऐड करेंगे आपके पास कितनी डिग्री का आ गया, 225 डिग्री का फाइनल एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 2/3 राइट एंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो राइट एंगल हैं और दो राइट एंगल के आपने तीन पार्ट करने हैं। दो राइट एंगल आपके पास 180 डिग्री के होंगे और उसके तीन हिस्से, तीसरा हिस्सा, तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 3 6 18, ये मेरे लग रहा ऊपर जाएगा, मीन्स के 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 1/2 राइट एंगल, 1/2 मैंने आपको क्या बताया था, राइट एंगल का, राइट एंगल जो आपके पास 90 डिग्री का होता है उसका हमें हाफ लेना है, उसका हाफ आपके पास 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री होगा, 90 का हाफ करेंगे तो 45 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 1 1/2 राइट एंगल, वन मतलब कि एक पूरा राइट एंगल और हाफ राइट एंगल, 1 90 डिग्री का होता है और इसका हाफ 45 होता है। इन दोनों को आपस में ऐड करें, 9 × 13, 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एस 3 P.M। आप कह रहे हैं कि आपने क्लॉक, आपके सबके घर में होते हैं, ठीक है, आपने क्लॉक से टाइम देख के बताना है। अगर आपके पास थ्री, अगर आपके क्लॉक में 3 बज रहे हैं तो आप बताएं कि उनके दरमियान कौन सा एंगल होगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी एक वॉच बना देती हूँ, यहाँ पे मैं क्लॉक बना देती हूँ, आपको अच्छा ज़्यादा समझ आएगा। ट्वेल्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
कुछ मैंने इस तरह से वॉच बना दी। और कितने बज रहे हैं यहाँ पे? 3 बज रहे हैं उन्होंने कहा है। करके 3 बज रहे हैं। तो आप ये बताएं कि कौन सा एंगल बन रहा है? ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। अगर आपके पास 6 बज रहे हैं तब आपके पास कितना टाइम होगा? आप अगेन अगेन यहाँ पे वर्ड्स बनाते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको इसी पे बता देती हूँ, आप इसकी वर्ड्स दोबारा यहाँ पे अगर बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा। 6 बजाने में डायरेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। 6 पूरे 6 बज रहे हैं। तो आप बताएं ये कौन सा एंगल है? यू करके यू सीधा, तो ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर इसके 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, उसे आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे और इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द साइजेस ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन ये आपको 5 PM नहीं सॉरी 5 नहीं है, 3 PM हो रहे हैं। उस पर तो हमने सिंपली बता दिया था कि एंगल की कितनी कितनी मेजरमेंट है, पर इसमें थोड़ा चेंज किया है कि व्हाट आर द साइजेस ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल। अब आपने इसमें क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल की साइज बतानी है। रिफ्लेक्स एंगल आपके पास कौन सा होता है? 180 से बड़ा होता है और 3 डिग्री 360 से छोटा होता है। अब आपने बताना है कि इसमें एक वॉच बनाते हैं, मैं वॉच बना रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने वॉच बना ली, अब इस वॉच में मैंने क्या कहा है कि 3 बजे पूरे 3, ठीक है। अब पूरे 3, ये तो हमारे पास जो 3 बज रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। और ये टोटल जो है बैकवर्ड तो जितना भी बच रहा है, ये टोटल जो सर्कल मिला के हमारे पास कितनी डिग्री का होता है? ये हमारे पास 360 डिग्री का होता है। आपने क्या करना है, जितना एंगल बनेगा, जितना जितना एंगल बनता जाएगा, आपने उसको 360 में से माइनस करना है। जैसे कि 0 में से 0 गया, 0 आ गया, एंड 60 से 9 ले जाएंगे, कैरी लेंगे आप, 60 में से 9 गए, आपके पास कितने बचते हैं? 7। एंड आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 बच गए, ये आपका यहाँ पे 2 आ गया, मीन्स के 270 डिग्री। अब 270 डिग्री में आप ये दोबारा प्लस करके देखें कि आपके पास 360 डिग्री बन रहा है। 0 9 1 16 6 1 3 360 वापस से बन रहा है, मीन्स कि हमारा रिफ्लेक्स एंगल का जो आंसर है वो क्या आया? 270 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसके 3 सवाल हैं। 4 PM एंड आपके पास 5 PM।
महामवाक्य याद कर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बिल्कुल लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।